हेलो एवरीवन, वेलकम टू सन्स फेवरेट फूड। आज हम बनाएंगे बेल पत्थर का शरबत। इसको बेल का शरबत भी बोला जाता है और ये बहुत बहुत यम और बहुत हेल्दी होता है। बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक होती है। इसके बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा B12 पाया जाता है और ये जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या फिर IBS की प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये बेस्ट ड्रिंक होती है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने लिया है ये एक बेल पत्थर। बेल पत्थर मेरे पास मेरे घर का ही है, ये पेड़ का टूटा हुआ, तो मैंने उसको ही लिया है। इसके बहुत बहुत अमेजिंग फ़ायदे होते हैं। ये इस तरह से सिंपल खाना भी बहुत बहुत टेस्टी लगता है और इसका ड्रिंक बनाकर यूज़ करेंगे तो ये आपको IBS वगैरह में बहुत हेल्प करता है। जिनको बार बार लूज मोशन होते हैं या फिर कुछ भी खाने के बाद बार बार टॉयलेट जाने की शिकायत होती है तो ये उसके लिए बेस्ट, बिल्कुल वरदान है। ये उसके लिए बहुत बहुत बेनिफिट हैं इसके। इसके ड्रिंक बनाने के लिए हम इसे पहले बीच में से तोड़ लेंगे। ये आपको मार्केट में भी इजीली मिल जाएगा और ये देखिए इस तरह से ये अंदर से होता है। बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में भी, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें थोड़ा सा बीज बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन इसका जो गुदा वाला पार्ट है ये बहुत बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे किसी स्पून की हेल्प से। जो इसके अंदर वाला पार्ट है इसको हम बाउल में अलग निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत इजीली स्पून से ही निकल जाएगा। ये देखिए तो इस तरह से हम सभी को निकाल कर इस बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस तरह से निकाल लिया है मैंने सभी को बाउल में। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। मैं इसमें 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। आप इसमें पानी की क्वांटिटी और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। जितनी पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी ये ड्रिंक उतना ज़्यादा बनेगी। एक बेल पत्थर से आप काफ़ी लोगों के लिए ये ड्रिंक बनाकर तैयार कर सकते हैं। 8 से 10 लोगों के लिए आप इसे इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं सिर्फ एक बेल पत्थर से। तो मैंने इसमें ऐड किया है अभी 2 लीटर पानी और इसे हम किसी मैशर की हेल्प से या फिर आप अच्छे से हैंड वॉश करके इसे हाथ से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं या फिर ग्लव्स वगैरह पहन के इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं हाथ से ही। मैं मैशर की हेल्प से इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। पर ली जो बेल पत्थर के जो पीसेस हैं इसमें, ये इस तरह से बहुत अच्छे से मैश हो जाने चाहिए। हाथ से कीजिए या मैशर से कीजिए, बहुत अच्छे से मैश कर लीजिए इन्हें। और इसमें जो कुछ रेशे वाला पार्ट होगा और जो इसके बीज होंगे वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे तो हम उसको छान कर अलग कर लेंगे। फिर ये देखिए इसमें इस तरह से इसका रेशा निकलता है और जो बीज हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो अब इसे हम छलनी की हेल्प से दूसरे बर्तन में छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप इसे स्पून और छलनी की हेल्प से छान लीजिए या फिर इसे किसी कपड़े में भी छान सकते हैं आप। इसको कपड़े में डालिए और अच्छे से छान लीजिए एक साथ। इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर कोई बड़ी छलनी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं छानने के लिए। तो इसे प्रॉपरली अच्छे से स्पून से दबा दबा कर हमें इसका रेशे वाला पार्ट बिल्कुल अलग कर देना है। इस तरह से जूस हमारा रेडी है बिल्कुल। इसमें हम शुगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं और जो लोग शुगर अवॉइड करते हैं वो इसे सिंपली ऐसे भी पी सकते हैं क्योंकि बेल पत्थर के अंदर ऑलरेडी मिठास होती है। तो आप इसका यूज़ बिना चीनी डाले भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बच्चों को सर्व करना है तो इसलिए इसमें मैं थोड़ा शुगर ऐड कर रही हूँ। और अभी मैं इसमें पानी की क्वांटिटी और बढ़ाऊँगी क्योंकि ये अभी मुझे काफ़ी थिक लग रहा है तो मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। मैं आधा बाउल शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह हनी भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हनी ऐड नहीं करना चाहते आप इसमें मिश्री भी ऐड कर सकते हैं या फिर देसी खांड भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें इसे हम किसी कलछी की हेल्प से या किसी स्पून की हेल्प से अच्छे से जो इसकी चीनी है इसको घोल लेंगे। चीनी इसमें अच्छे से घुल गई है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। आप पानी की जगह इसमें बर्फ़ की क्वांटिटी ज़्यादा डाल सकते हैं। ठंडा पीना चाहते हैं तो ठंडे के अकॉर्डिंग आप इसमें बर्फ़ ज़्यादा क्वांटिटी में क्रश करके ऐड कर सकते हैं। मैं बर्फ़ ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें पानी की क्वांटिटी डाली है। आप इसमें आइस काफ़ी क्वांटिटी में डालकर इसको बढ़ा सकते हैं।
अब मैं इसको सर्व कर लूँगी। ये बिल्कुल रेडी है, मैं सिर्फ थोड़ा सा ग्लास में ही आइस ऐड करूँगी, तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा आइस को अवॉइड किया है उसके अंदर। सर्व कर लेंगे हम इसको। हम बहुत बहुत यम बनता है, बहुत बहुत टेस्टी, आप इस तरह से बनाइए। बहुत बहुत अमेजिंग ड्रिंक है, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। घर पर ही आप इसे इजीली बना सकते हैं, बच्चों को बनाकर सर्व कर सकते हैं, गेस्ट आए गेस्ट को बनाकर सर्व कर सकते हैं। बाहर के आर्टिफिशियल जूस या फिर बाहर की सॉफ्ट ड्रिंक से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है ये। आप इस तरह से बनाकर कभी भी रेडी कर सकते हैं। बहुत यमी, बहुत हेल्दी और बहुत बहुत टेस्टी ऑप्शन है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट।